Hello students, I hope you all are fine at your home and you are learning properly. Today in this video, I am going to explain chapter 1st of computer, the computer system. The some key points are given here. The first one is how does a computer work? Storage features of a computer types of computer. A computer is an electronic machine which is made up of various devices that helps you to enter the data. Computer ek electronic machine. Hai. जो कि बनी हुई है अलग अलग डिवाइसेस से हमारी सहायता करते हैं मदद करते हैं टू एंटर द डेटा डेटा को एंटर करने में थ्रू कीबोर्ड और माउस कीबोर्ड और माउस के द्वारा प्रोसेस इट यूजिंग द सीपीयू सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है एंड गिव द रिज़ल्ट और हमें रिजल्ट देता है एज एन आउटपुट विच कैन बी सीन ऑन द मोनिटर जिसको हम मोनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं और प्रिंटर और प्रिंटर का यूज़ करके हम एक पेपर पर हम प्रिंट निकाल कर निकाल कर भी देख सकते हैं हाउ डज़ ए कंप्यूटर वर्क एक कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है एक कंप्यूटर वर्क ऑन द आई पी ओ साइकल वॉट इज आई पी ओ साइकिल कंप्यूटर आई पी ओ साइकिल पर वर्क करता है लेकिन वट इज़ आई पी ओ साइकल आई वॉन्ट टू शेयर वन एग्जाम्पल वेन यू आर लर्निंग समथिंग जब आप कुछ लर्न कर रहे हैं या आपका आपका टीचर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो आप उस चीज़ को इनपुट यू आर गेटिंग द नॉलेज इट इज कॉल्ड इनपुट आप नॉलेज गेन कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड इनपुट एंड वाइल यू आर रिकॉलिंग जब आप उसको दोहरा रहे हैं इट इज कोल्ड प्रोसेसिंग एंड वाइल यू आर राइटिंग ऑन द पेपर इट इज़ कॉल्ड इनपुट नाउ कम टू द पॉइंट इनपुट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट सेम एज इट इज जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इनपुट द डिवाइस दैट इज़ यूज टू सेंड इनपुट टू अ कंप्यूटर इज एन इनपुट डिवाइस जिन डिवाइसिस के द्वारा डेटा को इन डेटा को एंटर कराया जाता है कंप्यूटर में इट इज़ कॉल्ड इनपुट सम ऑफ द इनपुट डिवाइसिस आर कीबोर्ड माउस स्कैनर नाउ प्रोसेस द कंप्यूटर टेक्स एक्शन ऑन द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर कंप्यूटर एक्शन लेता है जो कि डेटा एंटर कराया गया है यूज़र के द्वारा इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेसर विच इज़ द सीपीयू डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट कराया जाता है सीपीयू के द्वारा दिस कन्वर्जन ऑफ डेटा इंटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग सी पी इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सी पी यू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है इट हैज थ्री पार्ट्स कंप्यूटर की सी पी यू के थ्री पार्ट्स होते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकूनिट ए एल यू एल यू डज अर्थमैटिकलकुलेशन लाइक एडिशन सब्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन डिजन एंड सो ऑन इट ऑल्सो डज कंपेरिजन लाइक ग्रेटर दैन लेसर एंड एकक्ल एंड सो ऑन एल यू क्या करता है अर्थमेटिकलकुलेशन करता है जैसे मल्टीप्लीकेशन डिविजन और कंपेरिजन करता है ग्रेटर दैन लेसर इक्वल एंड सो ऑन मेमोरी यूनिट द एम यू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर एंड रिज़ल्ट ऑफ द आउटपुट प्रोसेसिंग एम यू स्टोर करता है डेटा को इंस्ट्रक्शंस को गिवन टू द कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है एंड द रिज़ल्ट और रिज़ल्ट को भी कंट्रोल यूनिट द सी यू कॉर्डिनेट्स बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ़ द सी पी यू सी यू क्या करता है कोऑर्डिनेट करता है सी पी यू के सभी पार्ट्स के बीच में दस यू गेट्स डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड पासिस दैम ऑन टू द एल यू इन अ स्टेप बाय स्टेप बाय मैनर आउटपुट द रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिलता है विच गेट आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के बाद द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आउटपुट वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं आउटपुट द आउटपुट विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ मोनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी जो हम रिजल्ट और आउटपुट देखते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर इसको हम क्या बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी ए प्रिंट आउट ऑफ द सॉफ्ट कॉपी ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी और जो रिजल्ट हम प्रिंटर का यूज़ करने के बाद में प्रिंट uh, करते हैं उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसिस आर मोनीटर प्रिंटर इस्पीकर एटसेट्रा ना वॉट इज़ स्टोरेज वेन यू आर वैन यू हैव फिनिश्ड वर्किंग विद योर डेटा आप अपने डेटा के साथ जब वर्क फिनिश्ड कर लेते हैं समाप्त कर लेते हैं यू कैन स्टोर इट इट इन अ मोर परमानेंट फ्रॉ फॉम कोल्ड स्टोरेज आप चाहते हैं कि ये परमानेंटली स्टोर हो जाए हमारे कंप्यूटर में इट इज़ कोल्ड स्टोरेज हार्ड डिस्क डी वी डी पेन ड्राइव एटसेट्रा आर स्टोरेज डिवाइसेस ये क्या हैं सभी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं इकट्ठा करते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर द प्रोसेस आउटपुट टू यूज़ इट इन फ्यूचर फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर फीचर्स क्या क्या हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मशीन कंप्यूटर एक साधारण मशीन नहीं इट हैज़ मैनी फीचर विच मेक इट टू सॉइज special such as speed computer works at very high speed it does calculation faster than a human being computer बहुत तेजी से बहुत high हाँ speed से work करता है ये calculation कर सकता है कल, calculation करता है human being से मनुष्य से ज्यादा जल्दी एक्यूरेसी शुद्धता कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट कंप्यूटर हमेशा शुद्ध रिजल्ट ही देता है सो वॉट एवर इनपुट वी गिव इट गिव्स एक्यूरेट रिज़ल्ट जो भी हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं उसी के उसी से रिलेटेड हमें रिज़ल्ट कंप्यूटर देता है बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हमें कंप्यूटर देता है डिलीजेंस कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस कंप्यूटर को कभी टायर्ड नहीं टायर्डनेस नहीं होती है कभी नहीं थकता है कंप्यूटर अनलाइक ह्यूमन बींग जैसे कि मनुष्य कार्य करने के पश्चात थक जाता है लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता इट कैन वर्क विद सेम इफ़ेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम ये एक जैसी क्षमता के साथ लंबे समय तक कार्य करता है मेमोरी द बेस्ट थिंग अबाउट अ कंप्यूटर इज इट्स लार्ज मेमोरी सबसे अच्छी चीज़ कंप्यूटर के बारे में इट इज़ लार्ज मेमोरी जिसमें लार्ज मेमोरी होती है बहुत अधिक मेमोरी होती है वेयर इट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिट्राइव्ड क्विकली एंड ईजिली वैन नीडिड जिसमें हम बहुत अधिक डेटा को इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और जल्दी से हम जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तब हम उसको गेट कर सकते हैं मल्टी टास्किंग ए कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज मशीन दैट परफॉर्मेंस अ वेराइटी ऑफ टास्क एंड इज इट इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स कंप्यूटर का यूज हम सभी फील्ड्स में करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स के प्रकार ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैव अ सीपीयू कीबोर्ड एंड स्क्रीन टू डिस्प्ले आउटपुट बट दे डिफर इन देयर साइज कोस्ट एंड स्पीड लेटर्स लर्न मोर अबाउट दैम सभी कम्प्यूटर्स में सी होता है की होता है स्क्रीन होती है टू डिस्प्ले आउटपुट आउटपुट देखने के लिए बट दे डिफ़र इन साइज लेकिन वो अलग होते हैं साइज़ में कॉस्ट में स्पीड में लेटेस्ट लर्न मोर अबाउट दैम चलिए अब उनके बारे में जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर दीज कंप्यूटर आर मेड टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम ये कंप्यूटर बनाया गया था एक समय पर केवल एक ही पर्सन इस पर कार्य कर सकता था डेस्कटॉप लैपटॉप लैपटॉप टेबलेट एंड स्मार्टफोन स्मार्टफोन आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर इनको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं इस पर केवल एक ही मनुष्य एक ही समय पर कार्य कर सकता है जैसे डेस्कटॉप होते हैं लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफ़ोन आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पर्सनल कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल जर्नल पर्पज कंप्यूटर्स हैविंग द कैपेबिलिटी टू सर्व अंबर ऑफ यूजर इस मैन फ्रेम कंप्यूटर दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज ये कंप्यूटर बहुत अधिक बड़े होते हैं फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर सम मैन फ्रेम कंप्यूटर आर सौ बिग डेट दे रिक्वायर एज मच लार्ज स्पेस एज देट ऑफ अ रूम कुछ मेनफ्रेम कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं कि उनको एक रूम के रूम पूरा कंप्लीट रूम चाहिए होता है उनको रखने के लिए दे आर यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में इसका यूज़ किया जाता है वर्ल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ यूज सचेस बैंक जिसमें हम बहुत अधिक डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं सचेस बैंक जैसे कि हम बैंक्स में बहुत अधिक डेटा को स्टोर करते हैं सुपर कंप्यूटर दीज आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स सभी कंप्यूटर्स के प्रकार में से दे कैन प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली ये प्रोसेस कर सकता है डेटा को बहुत जल्दी से दे आर यूज इन वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत बड़ी संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी टू डू टास्क एज वेदर फोकास्टिंग एंड रॉकेट लॉन्चिंग परम वॉज़ इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन नाइनटीन नाइन्टी वन परम पहला फ़र्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो जिसको डेवलप किया गया था इन नाइनटीन नाइन्टी वन में आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टुड थैंक यू एंड हैव नाइस डे